सदकानू के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। कश्मीरी सैलाब सदकानू के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। तकसीम नहीं है, इसलिए हमने 7 सितंबर को यह फैसला लिया 2018 में। हम इस प्रोटेस्ट करेंगे प्रेस कॉलोनी में, इसको हम ब्लैक डे मनाएंगे, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं थे उस पैकेज से, ना उस रिहेबिलिटेशन से, क्योंकि वो पैकेज 44,000 के करीब कम से कम वो पैकेज उस टाइम बन गया, क्योंकि जब वो इमदाद देने का टाइम आया, रिहेबिलिटेशन का टाइम आया, उस पैकेज को 7,000 करोड़ में कन्वर्ट किया यहाँ की स्टेट सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने। आप देखें उसके बाद भी वो 7,000 करोड़ यहाँ के लोगों के पास नहीं पहुँचे। इसीलिए कश्मीर इकोनॉमिक अलाइंस ने यह फैसला लिया, इस 7 सितंबर को हम ब्लैक डे के तरीके से मनाएंगे, ताकि हम गवर्नमेंट को यह बावर करना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप लोगों ने कितनी जातियाँ की कश्मीरियों के साथ। 2014 जो डिजास्टर आया उसके बाद ना हमारे हम ना फाइनेंशियली साउंड हुए, उसके बाद रोज़ बर रोज़ हमारा बिजनेस पीछे जा रहा है, हमारा बिजनेस आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई तरक्की नहीं हमारा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा डिजास्टर था उस टाइम। मेरे ख्याल से 1,00,000 करोड़ उस टाइम लॉस था कश्मीरियों को, मगर 1,00,000 करोड़ के बदले हमें 7,000 करोड़ दिए गए। लिहाजा करके मेरे ख्याल से अभी तक हमारा बिजनेस 20 सालों तक नहीं संभलेगा कश्मीर। Justice.